रास्ता का हालत बहुत खराब है। और बबल्स, हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, फिर से स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। तो आज हम घर से निकल चुका है बहुत दूर जगह, जो कि किबीटो अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त और फिलहाल मौसम बहुत ख़राब है। हम तो सोच रहे हैं ये मौसम में कैसा पहुँचेगा साइट किबीटो, फिर भी वीडियो में आप लोग बने रहे। तो रास्ता का हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हमको तो एड्रेस मिलाना पड़ेगा। नहीं तो ये एक्चुअली गोलमाल प्लेन या हाँ धमाल का याद आ गया, कितना एड्रेस नहीं होगा बोलिए। तो इसमें तो गाड़ी शायद निकल जाना थे, लेकिन बहुत भयंकर से लैंडस्लाइड हो रहा है। गाड़ी तो निकल जाएगा शायद, एक बार ट्राई करता है गाड़ी, क्योंकि हमको जाना ही वाला आप जैसे भी। गाड़ी वहाँ पार्क करके रखा हुआ है, तो एक बार हिसाब मिला लेता कि बारिश भी कम हो गया तो गाड़ी तो निकल जाना चाहिए। देखते हैं एक बार ट्राई करके। वो देख लेते हैं पीछे गाड़ी को, जितने था आगे पीछे करके हम लोग पार कर लिए। दोस्त तो पूरा डर के उसका हालत ख़राब हो गया था। तो यहाँ से रास्ता साइड ठीक रहेगा, बारिश का मौसम ही है तो ऐसा तो हो गई। पीछे एक्चुअली जेसीबी भी आ रहा था, तो उसके लिए रुकते तो बहुत टाइम लग जाएगा वो के। तो यहाँ से हम निकलता है और हाईलोंग होके वालम। तो हम लोग रिटर्न हो गया वहाँ से परशुराम जो रास्ता से गया था, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था और लैंडस्लाइड भी हो रहा था जैसा कि आप वीडियो में दिखाई है। उसके बाद अभी हम लोग तेजू से निकल रहे हैं, क्योंकि किसी को पूछ लिया था कि तेजू से रास्ता अच्छा है बोल के, तो यहाँ से निकल रहे हैं तेजू से। देखते हैं यहाँ से भी क्या हालत होता है रास्ता का। टीवी रोड है ये, तो यहाँ से नीचे परशुराम जा सकते हैं। तो खाना हो गया यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हालम। तो सुना है रास्ता ब्लॉक होता है 2 घंटा जैसा, तो देख लेता आगे जाके क्या होता है आगे। तो हम लोग हाईलोंग पहुंचने वाला है अभी, बहुत तकलीफ है रास्ता जो है, इतना ख़राब है। बीच में अच्छा है, फिर ख़राब, फिर अच्छा, और बारिश का समय तो और भी रास्ता ख़राब हो जाता है। यहाँ से लगभग आधा घंटा ऐसा लगेगा हम लोग को हाईलोंग पहुंचने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग हाईलोंग से होके वालंगकल तरफ निकलेगा। अब इस तरफ देख सकता है पहाड़, वो रास्ता जो है वो तो पूरा ख़राब है, मेरा पेट ही दर्द हो गया आते आते। तो हाईलोंग पहुंचने से पहले रास्ता ब्लॉक हो चुका है अभी, 2 घंटा लगभग लगेगा बोला यहाँ पे। तो गाड़ी यहाँ से पूरा जाम हो गया, हाईलोंग हम लोग पहुँचने वाला था वो पार करके, जस्ट हाईलोंग है और नीचे देख सकता बहुत डरावना है। उस दिन बोला था एक बोलेरो गाड़ी जो वहाँ से आके सीधा नीचे में गिर गया, तो यहाँ रुकना पड़ेगा हम लोग को और शायद और 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ेगा। वो नीचे आपका कटिंग हो रहा है रास्ता, तो यहाँ में सब गाड़ी है। दो घंटा के बाद ब्लॉक खुल चुका है, तो अभी सब निकल रहा, तो हम लोग भी निकल सकते हैं। हम लोग का लाइन बहुत पीछे में है। सोलो हाँ यार, पूरा 2 घंटा लगा ये जगह में। तो अभी हम लोग हवाई का रास्ता में है, और ये जो नदी का उस पार जो पहाड़ है वहाँ में हवाई है। तो अभी फिलहाल हमको तो वालंग जाना है, फिर वहाँ से किबीटो, तो आज पहुँचते शाम हो जाएगा। तो ये जो रोड है ये वालंग का है, तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो शायद जल्दी निकलना पड़ेगा, शायद शाम हो जाएगा आज पहुँचते हम लोग। अरे मैडम नहीं जाएगा क्या, क्या कर रही है? ऐसा ना, ये पता तो हमको बता दो।
क्या करेगा? ओए क्या करता है ये? ए चलो चलो देरी हो जाएगा आप लोग का। ओ पत्ता से भी बैलून बबल्स निकलता है ना। मैडम आप भी बबल्स बनाएगा क्या? फर्स्ट टाइम देखे हैं हमेशा। ओए कैसा करता है करो तो? एंको क्या बता? अरे एक निकले निकलता है तो कितना अरे बबल्स अरे अरे चलो बबल्स देखने से नहीं होगा, हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। बारिश भी आ रहा है, गाड़ी में पत्ता तोड़ तोड़ के फुलाते रहो बबल्स को, तो निकलते हम लोग वलंग का तरफ। वलंग पहुंचने वाला है अभी, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर होगा शायद यहाँ से। तो पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ वाटरफॉल क्या बोलेगा, बहुत सारा वाटरफॉल है। और इस तरफ आप आएगा तो देखिए पहाड़, कितना सुंदर पहाड़ है। और दोस्तों गाड़ी लेके चला जा रहा है क्या भाई? हमको भी लेके जाओ, हम कहाँ बैठेंगे यहाँ पे? तो हम लोग पहुँचने वाला है, पहुँचता है वहाँ पे, उसके बाद कल का प्लानिंग कुछ है देखता है, क्योंकि ये जगह हम लोग कभी नहीं आया है, तो किसी को कुछ पूछ के हम लोग घूमना पड़ेगा। तो मिलता है सीधा वालोंग में अभी। तो हम लोग वालोंग पहुँच चुके हैं अभी, तो यहाँ होम स्टे एक मिला है, थोड़ा ऊपर है, एनी होम स्टे नाम इनका। तो डबल बेड का इन लोगों ने 1700 करके लिया, तो चढ़ाई का ऊपर है और उड़ना पड़ेगा। वाह मुर्गी इतना बड़ा बड़ा है, बॉयलर है क्या? बॉयलर बापरे, चढ़ाई दे। वाह यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है, वो रास्ता है नीचे और हम ऊपर, और यहाँ से और नीचे दिखाई देता है। हम लोग मैडम बहुत चल रहे हैं आजकल, स्मार्ट है, पूरा आगे जाके ऊपर ऊपर ताता कर रहा है हम लोग को। और यहाँ में हम लोग बहुत बढ़िया बैठे यार, यहाँ पे 1700 बोला इसका पर नाइट का। उसके बाद अगर बाहर आएगा तो यहाँ से पूरा दिखा देता है। कल नहीं मिलेगा। वाह ये यहाँ का बार है, बहुत सुंदर बार है यार वलंग में। और अगर पीछे आएगा तो वाह आर्मी लोग का हेलीपैड है भाई, यहाँ से तो बॉर्डर ही है तो चाइना का, यहाँ से पूरा टाउन दिखाई देता है वलंग का। अरे भाई ऊंचाई में है, वाह गिचुआ लोग तो अपना अपना रूम में बैठ गया, हमको भी जाना पड़ेगा अभी। बहुत थक गया यार, सुबह 8 बजे लगभग निकला था तो अभी पहुँचे 5 बजे ही, यस दिन भर लग गया। थोड़ा रेस्ट किया जाए, शांति। अभी खाना खाने नीचे जा रहा है, तो खाना खा के जल्दी हम लोग को सोना पड़ेगा, नहीं तो कल सुबह हम लोग नहीं उठ पाएगा। अरे लोग कहाँ चला गया, नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो रूम है फिर नीचे किचन। कौन किचन? क्या मिलता है इसमें? मैडम हम लोग के गार्जियन है थे ना, तो चलो किचन चलता है, खाना तो खा लेता हूँ। चलो ओ या में है ना, खाना उसके बाद ये है दाल, देन ये सोने छोक लो इसमें चिकन को, अरे आराम से आलू भाजी वो अंडे करी, देन ये
तो शुरू कर देता खाना। आई लव दाल, दाल में तो कुछ लगे ट्राई। तो खाना हो गया हम लोग का। अंधेरा कायम रे या मैं अंधेरा भाई, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हमको। तो हम लोग का खाना हो चुका है, तो कल सुबह हम लोग को 2 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 बजे नहीं उठेगा तो हम लोग इंडिया का जहाँ से सनराइज़ होता है वो देखने नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए गुड नाइट।